OnePlus 9RT। हाँ गाइज, यहाँ पे OnePlus की तरफ से OnePlus का 9RT आने वाला है इंडिया के अंदर, और इसमें हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो OnePlus अपना 9RT ला रहा है ना, बहुत टाइम से इस फोन का इंतजार हुआ जा रहा है, बहुत टाइम से OnePlus इसको डिले किया जा रहा है। अब फाइनली हम बात करने वाले इसी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ उस फोन के बिल्ड डिजाइन में। तो ये फोन देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है। यहाँ पर जो लुक होगा वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखने मिलेगा फोन का। जैसे कि 9R मिला था वैसे कुछ आपको डिजाइन देखने मिलेगा, तो ज्यादा प्रीमियम भी नहीं और ज्यादा बढ़िया भी नहीं, मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक आपको यहाँ पे डिजाइन देखने मिल जाता है। डिस्प्ले में जो आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, फ्लूइड एमोलेड मिल जाता है, साइड पंचोल मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर। तो डिस्प्ले क्वालिटी में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको देखने मिल जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम डिस्प्ले में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आ जाता हूँ चिपसेट में। तो यहाँ पर आपको 888 स्नैपड्रैगन 888 5G वाला चिपसेट मिल जाता है। परफॉर्मेंस मक्खन टाइप की हो जाने वाली, गेमिंग आराम से कर लोगे, हैवी टास्क भी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला है। तो परफॉर्मेंस वाइज फोन बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाता है आप लोगों को। कैमराज में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मेन कैमरा जो है वो आप लोग 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है सोनी के सेंसर के साथ, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, एंड डेप्थ सेंसर भी आपको देखने मिल जाएगा। तो कैमरा वाइज OnePlus का 9RT ना बढ़िया क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है, 4K रिकॉर्ड कर पाओगे और इसका सपोर्ट, जो मेरे हिसाब से बढ़िया बात है। सेल्फी में साइड पंचोल के साथ आपको 16 पिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। अब यहाँ पर ये नहीं कंफर्म है कि इसमें आपको वॉइस सपोर्ट है या 4K रिकॉर्ड है, ये भी यहाँ पे इंडिया का मुझे कंफर्म नहीं पता है। बैटरी में आ जाता हूँ, तो 4.5 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, टाइप मिल जाता है आपके पास, 65 W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात बन जाता है वो मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब यार फोन आपका अराउंड 30-40 मिनट्स में फुल चार्ज हो ही जाना चाहिए। और ये बात है कि यार आजकल के ब्रांड मुझे लगता ही है ये इन्हें ज़्यादा देना ही चाहिए, क्योंकि पुराना टाइम अलग था और आज का ज़माना अलग है। आज यहाँ पर आपको जो 65 W की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया बात बन जाती है, क्योंकि आजकल के यंगस्टर आप लोग जानते हैं भाई, उनको जॉब्स में जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है, या तो भाई कॉलेज जाने रहता है, तो भाई उनको जल्दी जल्दी फ़ोन चार्ज चाहिए, और लाइक इतना तो हो कि भाई हम जाके इमरजेंसी में भाई फ़ोन बाहर ले जा सके, क्योंकि फ़ोन के बगैर आजकल बहुत कम ही लोग हैं जो जाते हैं। तो हाँ, ये मुझे होना चाहिए कि लाइक मुझे लगता है आज के ब्रांड में आज के ब्रांड्स के यार भाई 50 W से कम देना ही नहीं चाहिए, है ना। आप लोग बताना कमेंट करके आप लोग क्या लगता है। एंड UI में आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, ये ऑक्सीजन OS के साथ रन करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात बन जाती है। आप लोग भी जानते हैं ऑक्सीजन OS बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये गाइस ये है पूरा यहाँ पे OnePlus का 9RT। डेफिनेटली फोन मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, बट फाइन गाइस इस फोन का जो प्राइस निकल के आया ना, वो अगर आप लोग सुनोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इस फोन का जो प्राइस निकल के आया गाइस, वो निकल गया 41,999 रुपीज़, मतलब 42,000 रुपीज़। अब ये आप लोग जानते हैं भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये फोन 35-37 आता तो मैं कह सकता था वैल्यू ऑफ मनी मैं कह सकता था, बट अगर ये 42,000 में इंडिया में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली यार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग को मैं बताऊँ कि आप लोग क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो भाई एक्सपेंसिव है, और बोला जा रहा है हो सकता है कि 42 के अबव भी हो जाए। तो अगर ये होता है ना, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे OnePlus को अपने प्राइस रेंज में भाई थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर यही होता रहा तो मेरे हिसाब से इस पर अफेक्ट पड़ेगा उनके सेल पर, ये हो सकता है। आप लोग बताना आप लोग क्या लगता है, या आप लोग लेने ही वाले हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैंस होते हैं भाई कितना भी प्राइस रेंज आए लेंगे, जैसे एप्पल वाले हो गए। दूसरा क्या भाई, कुछ लोग होते हैं कि भाई अब प्राइस कम हो गया दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप बताना कमेंट कि आप लोग क्या करने वाले हो। एंड अब मैं फाइनली बात कर लेता हूँ इसके लॉन्च के बारे में। तो देखिए नवंबर के मंथ में आने वाला था, मैंने भी वीडियो बहुत सारे बनाए हुए थे, बट अभी यहाँ पे लीक्स आ रही है कि नवंबर में नहीं आ रहा है, दिसंबर में आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिसंबर में ये क्या कुछ ऐसा करेंगे कि भाई बोलेंगे जनवरी में आएगा, तो ये मुझे सही बात नहीं लगती यार। मतलब मुझे लगता है OnePlus को यहाँ पे इतना डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फैंस वेट कर रहे हैं कब से। तो जल्द से जल्द यहाँ पे OnePlus का 9RT इंडिया के अंदर ला ले आना चाहिए, क्योंकि भाई कब से लगे इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस, और बहुत ज़्यादा चलेगा मेरे हिसाब से जब ये फ़ोन आने वाला है, क्योंकि अगर प्राइस सही होता है तो, नहीं भी होगा तो बहुत सारे लोग तो लेंगे ही। आप लोग बताओ आप लोग क्या लगता है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं ऐसे ही डेली वीडियो बनाने के लिए। एंड बताओ आप लोग क्या लगता है OnePlus के 9RT के बारे में। मेरे हिसाब से मैंने जैसे बताया आप लोगों को, इस फोन का प्राइस जो है वो 35-37 होता है ना, 38 भी हो जाता है, तो मेरे हिसाब से फ़ोन इंडिया में बहुत ज़्यादा चलने वाला है। बट अगर ये फ़ोन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि भाई इतना फ़ोन चलेगा। तो बताना आप लोग कमेंट करके कि आप लोग क्या लगता है। वैसे गारंटी कोई भी फ़ोन की नहीं होती कि ये चलेगा वो चलेगा, बट ये तो भाई फैंस या यूज़र्स के ऊपर है कि वो कौन सा फ़ोन पसंद करते हैं, है ना। तो बता देना कमेंट करके आप लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से बढ़िया फ़ोन है, बस आने देते हैं, लेट्स सी। और बहुत सारी चीज़ें देखनी भी हैं, और फ़ोन को एक बार हाथ में अच्छे से आ जाए देखने मिलता है तो भाई और ज़्यादा बढ़िया बात आप यहाँ पे कर पाते हो। तो बस मैं ये कहूँगा कि 42,000 रुपीज़ इस फ़ोन के ज़्यादा है, और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा ये लॉन्च हो जाए, क्योंकि मैं तो आपको लीक्स बता रहा हूँ, हो सकता है ये 42 के भी अब लॉन्च हो। तो अगर होता है तो यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप लोग बताना आप लोग क्या रखते हैं। एंड बस इस फोन में रखता हूँ, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।